नमस्ते स्टूडेंट, बीएड फर्स्ट ईयर और अपना सब्जेक्ट है पेडागोजी और पॉलिटिकल साइंस। इसमें हम यूनिट टू पढ़ रहे हैं। यूनिट टू का जो अपना टॉपिक चल रहा था वो था राजनीति के विकास में भारतीय एवं पाश्चात्य चिंतकों का योगदान, जिसमें हमने भारतीय चिंतकों में कौटिल्य के जीवन परिचय व कौटिल्य का किस प्रकार से भारतीय राजनीति के विकास में योगदान रहा इसके बारे में चर्चा कर ली थी। आज अपना जो सेकंड दार्शनिक है वो है महात्मा गांधी। आज हम महात्मा गांधी के जीवन परिचय के बारे में, महात्मा गांधी की शिक्षा दर्शन, महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा का अर्थ, शिक्षा के सिद्धांत और शिक्षा के उद्देश्य, इन सभी के बारे में इस टॉपिक में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम इनके जीवन परिचय के बारे में चर्चा कर लेते हैं। महात्मा गांधी का जीवन परिचय, जैसे आप सभी को विदित है, जीवन परिचय के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी, जिनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, इनका जन्म गुजरात में काठियावाड़ के पोरबंदर नामक स्थान पर 2 अक्टूबर सन 1869 को हुआ था। हम लिख देते हैं महात्मा गांधी जिनका पूरा नाम मोहन चंद मोहनदास करमचंद गांधी सॉरी मोहनदास करमचंद मोहनदास करमचंद गांधी था जिनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी माना जिनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था इनका जन्म गुजरात के काठियावाड़ के पोरबंदर जन्म गुजरात के काठियावाड़ गुजरात का जो काठियावाड़ इलाका है उस काठियावाड़ के पोरबंदर नामक पोरबंदर नामक स्थान पर पोरबंदर नामक स्थान पर 2 अक्टूबर सन 1869 में हुआ था। इनका जन्म गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर 2 अक्टूबर सन 1869 में हुआ था। उनके पिता पोरबंदर के दीवान थे। बाद में उनको राजकोट के दीवान होकर वहां से जाना पड़ा और वहां गांधी जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा की। जब उनका जन्म हुआ था तब उनके पिता जो काठियावाड़ हैं वहां के पोरबंदर स्थान के दीवान थे, लेकिन बाद में उनके पिता राजकोट के दीवान होकर वहां गए, राजकोट चले गए और वहां पर ही गांधी जी की जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो वहां पूरी हुई। जब गांधी जी 16 वर्ष के थे तो पिता का देवासन हो गया। जब उनकी 16 वर्ष की आयु थी तब उनके पिता का साया उनके ऊपर से उठ गया, उनके पिता की मृत्यु हो गई। स्कूल में गांधी जी को धर्म की शिक्षा नहीं मिली किंतु आत्मबोध या आत्मज्ञान के मार्ग पर वे चलते रहे और वातावरण से कुछ जो कुछ उनको धार्मिकता मिली उन्होंने उसको ग्रहण किया। गांधी जी के नेतृत्व में भारत ने सन 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त की। गांधी जी के नेतृत्व में ही भारत ने सन 15 अगस्त 1947 को नेतृत्व में ही
15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त की, यानी स्वतंत्र आंदोलन में गांधी जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। उनके नेतृत्व में ही भारत को पंद्रह अगस्त 1947 को आजादी मिली। आगे हम बात करेंगे इस महान समाज सेवी जो गांधी जी एवं दूरदर्शी राजनीति को संकीर्ण मनोवृत्ति के लोग सहन न कर सके, जिनकी मानसिक स्थिति संकीर्ण लोग थे, इसलिए 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने भारत पाकिस्तान बंटवारे के विवादास्पद बिंदुओं पर मध्यांतर के कारण गोली कर हत्या कर दी, इसलिए और उनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा हत्या की गई। इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा इनकी हत्या की गई। अब गांधी जी का दर्शन देख लेते हैं। गांधी जी का दर्शन गांधी जी का दर्शन इसमें देखेंगे कि महादेव देसाई के अनुसार गांधी जी ने प्राय यह बताया कि शिक्षा को बालक और बालिका के समस्त गुणों का विकास करना चाहिए। गांधी जी ने कहा था कि शिक्षा को बालक और बालिका के समस्त गुणों का विकास करना चाहिए, उन्होंने यह शिक्षा ठीक नहीं कही जा सकती। उन्होंने कहा है वह शिक्षा ठीक नहीं कही जा सकती जो बालक और बालिकाओं को पूर्ण मनुष्य और उपयोगी तथा अच्छे नागरिक नहीं बनाती। आगे लिख देते हैं, वह शिक्षा ठीक नहीं कही जा सकती जो बालक एवं बालिका जो बालक एवं बालिकाओं को पूर्ण मनुष्य बालक एवं बालिकाओं को पूर्ण मनुष्य और उपयोगी तथा अच्छे नागरिक नहीं बनाती उन्होंने शिक्षा के अर्थ को बताया कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बालक और बालिका के समस्त गुणों का विकास करे। वह शिक्षा ठीक नहीं हो सकती जो बालक बालिकाओं को पूर्ण मनुष्य और उनके उपयोगी और उनको अच्छा नागरिक निर्माण करने में सहायक नहीं हो। गांधी जी ने कहा कि वे हृदय की शिक्षा के साथ साथ
गांधी जी एक आदर्शवादी विचारक थे, गांधी जी को आदर्शवादी विचारक माना जाता है, गांधी जी को आदर्शवादी, जो गांधी जी थे वो गांधी जी आदर्शवादी विचारधारा ही उनके शासन की आधारशिला थी, विचारधारा का प्रेरक माना जाता है, यानी जो आदर्शता है वही उनकी आदर्श जीवन की विचारधारा थी, यानी वो जो भी कार्य करते थे उसमें आदर्शता नियति आदर्श के मार्ग पर वो चलते थे। इसलिए शिक्षा में भी उन्होंने आदर्श शिक्षा के दर्शन दिए हैं। वे हृदय की शिक्षा के साथ साथ शारीरिक श्रम को भी महत्व देते थे। उन्होंने शिक्षा के साथ साथ शारीरिक श्रम को भी महत्व बताया, यानी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो व्यक्ति का शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक और नैतिक समस्त रूप से विकास कर सके। वे कहते थे कि बालक की आज्ञाकारी एवं अनुशासनहीनता बनाने के बिना उनकी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था, यानी बालक को आज्ञाकारी और अनुशासित बनाना ही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। गांधी जी का विश्वास आदर्शवाद में था। उनका आदर्शवाद भारतीय आदर्शवाद सिद्धांतों पर आधारित था। गांधी जी का जीवन दर्शन की 5 प्रमुख विशेषताएं आधारित हैं। गांधी जी के जीवन दर्शन की 5 विशेषताएं या जीवन दर्शन प्रमुख 5 सिद्धांतों पर आधारित होता है। 5 सिद्धांत हैं। सबसे पहले उन्होंने सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, निर्भीकता और सत्याग्रह, सत्य, अहिंसा, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, निर्भीकता और 5वां है सत्याग्रह। इनके जो जीवन दर्शन की हमें शिक्षाएं मिलती हैं वो है 5। सबसे पहले उन्होंने सत्य के मार्ग पर चलने को कहा, चाहे कैसे भी परिस्थिति आए मनुष्य को सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरा, उन्होंने अहिंसा, किसी भी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग बिना, किसी पर हिंसा किए बिना कार्य करना। तीसरा, अपरिग्रह, ज्यादा संपत्ति को अर्जित नहीं करना, किसी धन को इकट्ठा नहीं करना, और निर्भीकता होनी चाहिए, सत्याग्रह। इन 5 सिद्धांतों पर ही गांधी जी ने अपने विचार दिए हैं। इनके बारे में हम जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें चर्चा करेंगे। आज के लिए आप सभी को धन्यवाद।